अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए हम सबके फेवरेट कबाब बन रहे हैं और कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, 2 पाउंड कीमा लिया है। बीफ का कीमा है, रेगुलर कीमा है, तो इसका मतलब है 1 kg कीमा है मेरे पास। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया चॉपर। चॉपर में मैं 1 medium size की प्याज है जो मैं चॉप कर रही हूँ। आप इसे ग्रेट और डाइस भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं चॉपर यूज कर रही हूँ तो मैंने कहा इसी में कर लेते हैं ताकि इसको स्क्वीज करके इसका पानी निकाल सके। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, इसमें पानी है, तो आप इसका पानी को आप निकाल के स्क्वीज कर लें, पर मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बहुत ज्यादा पानी है तो मैं इसे इसी तरह यूज करूंगी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 bunch ऑफ कोरिएंडर, 1/2 cup मेरे पास मिंट लीफ है वो जा रहे हैं इसमें, एंड 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कई लोग ज्यादा पसंद करते हैं कई कम, तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम ही जो हमारा ग्रीन मसाला है उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना कीमा शामिल कर दूंगी, ताकि ये वैसे ऑलरेडी बारीक पिसा हुआ है लेकिन अच्छी तरह और बारीक हो जाए, क्योंकि कच्चे कीमे के बनाने तो बहुत जल्दी से ये हमारे गल जाएं। तो अब ये जो बचा हुआ हमारा कीमा है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 tablespoon मेरे पास है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बटर। इससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई है, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ये आप देखें, ये लास्ट वाला था, इसके अंदर हमने हरी प्याज और वो सब शामिल किया था, इसलिए ये 2 color का हो गया, अदरवाइज उसी में जाने वाला है। ये प्लेन था तो इसलिए इसका कलर आपको डिफरेंट लग रहा है, इसमें कोई ग्रीन मसाला नहीं था। तो अब इसको हम अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले इसमें डालेंगे हम 2 tablespoon फ्राइड की हुई प्याज, 1/2 cup मैं डाल रही हूँ बेसन। आप यहाँ पे भुने हुए चने होते हैं उनका आटा भी ले सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना आपके कबाब टूट गए तो ये उनको टूटने नहीं देगा, उनको होल्ड करके रखेगा। तो ये हमने इसमें डाला 1/2 cup। 1/2 teaspoon मेरे पास चिली पाउडर है, 1 teaspoon सॉल्ट है, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 tablespoon क्रश पेपर्स हैं, साबुत जीरा है 1/2 teaspoon, 1 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon ही जीरा पाउडर है। इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 1/4 teaspoon, क्योंकि ये आपको पता है टेंडर करने में हमें काम करेगा। आप पपीता भी इसमें यूज कर सकते हैं, पपीता डालें, और लेकिन इतना बारीक हमारा कीमा है फटाफट पक जाएगा, इतना इसमें जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहें आपके पास कच्चा पपीता या पका हुआ हो तो वो 1 tablespoon इसमें शामिल कर। अब आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि मीट पूरा अच्छी तरह स्पाइसेस इसके हो जाए, और इसको आप रात को बना के रख लें, 2 घंटे पहले बनाए ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 tablespoon लेमन जूस, 1/4 cup ये लगे कि सॉफ्ट है, जैसे कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल होल्ड करेगा, इसको ना टूटेंगे नहीं जब मैं फ्राई करूंगी, तो आपने क्या करना है, आपने 1-2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, तो उससे ये थोड़ा सख्त हो जाएगा और आप आसानी से कबाब फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, इसी तरह से इनके कबाब बनाएंगे। चलें अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है या ऑयल ले लें, और इनको आप अपने हिसाब से बड़े और छोटे कोई भी साइज के बनाएं, बहुत ज्यादा मोटे ना बनाएं ताकि आपको ये डर ना रहे कि ये भी पके नहीं, तो इस तरह आप इन्हें बनाते जाएं। और आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, कच्चों को फ्रीज कर लें, जब भी आपने बनाना है इनको निकालें और आप फ्राई कर लें। आप इन्हें 2 तरह की शेप, गोला कबाब टाइप का भी बना सकते हैं, इस तरह से करके भी बना सकते हैं, तो कोई सा भी शेप आपको जो भी पसंद है ना वो बना लें। मैं तो फिलहाल राउंड ही बना रही हूँ।
लेकिन आप गोला टाइप के, जैसे राउंड और सीख कबाब टाइप के होते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये याद रखें, क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं तो ये श्रिंक होते हैं, जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये जो भी साइज आपने बनाया उससे ये छोटे हो जाएंगे। आपने लेना है फ्राई पैन जिसमें आपने इनको करना फ्राई, क्योंकि ये काइंड ऑफ डीप फ्राई होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला है कि इनको मैं फ्राई करूंगी। तो अब इस ऑयल को आप अच्छा खासा गर्म होने दें, उसके बाद इसको मीडियम लो पे लाएं ताकि ये 5 से 6 मिनट में अंदर से अच्छी तरह पक जाए। चले आप देखें कि ऑयल हमारा मसाला गर्म हो गया और इसमें हम अब अपने कबाब डालेंगे और इनको फौरन टच ना करें ताकि ये पक के झुक जाएं एकदम से। एक मिनट तक इसको छोड़ें ताकि ये अच्छी तरह से झुक जाएं। और आपके देखें, आपके सामने बनाया, मैंने इसे कोई फ्रिज में नहीं रखा है। आप लोगों के हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कबाब टूट जाते हैं, कोफ्ते टूट जाते हैं। आप देखें, आप अगर इसको इसमें चने का आटा, भुने हुए चने का आटा या फिर बेसन डाल दें, उससे बिल्कुल भी आपके कबाब या जो कोफ्ते हैं कभी भी नहीं टूटेंगे। जब आप देखें कि एक तरफ से ब्राउन आपको लग रहा है, हो गया थोड़ा सा, फिर आप इसको पलट दें। देखेंगे ये श्रिंक होना शुरू हो गए, इनका साइज जो था, कितनी गैप होगी, कितनी मुश्किल से हमने इन्हें डाला था। लेकिन आप फ्राई पैन में देखें कि इनकी साइज, तो मैंने बताया था कि आप उस साइज के बनाएं कि जिस साइज में आपको फाइनल उसमें चाहिए। तो ये छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है और सॉफ्ट सा लग रहा है ऑलरेडी। फिर जो आपने प्याज डाले इसमें वो इसको मॉइस्ट रखेगा, और हरा धनिया, ये सब कुछ जो है ना, हरा मसाला, ये इसको बड़े मॉइस्ट कर रखते हैं। हीट आपने इसकी तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम हाई पे रखना है। मीडियम हाई पे करेंगे तो ये अंदर से कुक हो जाएंगे और मॉइस्ट रहेंगे। अगर आपने हाई हीट पे से किया तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से भी ड्राई हो जाएंगे और कुक भी नहीं होंगे। इनको आप ऐसा करें, फ्लैट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ये बीच में से राउंड राउंड से हो रहे हैं जिस तरह से, तो हम इन्हें थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं और डालते वक्त, ताकि ये देखें अब क्या होता है इसमें। और अब एक मिनट तक इन्हें छोड़ें और उसके बाद इन्हें टर्न करें। ये देखें कि कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं, कोई ड्राई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखें, टेस्ट टेस्ट तो आखिर में करेंगे, लेकिन आप देखेंगे, कहते हैं ना कि कच्चे रह गए कीमे के कबाब, यूँ हो गया, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, जैसे बिल्कुल चूही ड्राई से होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये बना के मैं सारे वापस आती हूँ। मैंने ये जब दबा के प्रेस करके डाले थे ना, क्योंकि मीट है रॉ, तो वो सारा फिर भी क्रम्बल होके गोल से ही बन जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखिए आप कितने अच्छे से खूबसूरत से दही से बन गए और काफ़ी सारे तैयार हो गए, थोड़े से रह गए। यहाँ पे मैं साइड्स तैयार कर रही हूँ, आप राइस, नान और सैलड बनाएं कलरफुल सा, और इनके साथ चाय के टाइम, खाने के टाइम पेश करें अपने मेहमानों को। कबाब हमारे हो गए तैयार, आप अपना प्लेटर बनाएं, देखें कितना खूबसूरत इससे प्लेटर बन जाता है। नान लें, राइस लें, जो भी आपका फेवरेट है, और कुछ नीचे लगाएं ताकि इसका जो सारा फ्लेवर है ना उनका, इसके अंदर, नान के अंदर आ जाए। और अब आप डालें अपने मज़ेदार यम्मी से कबाब्स। तो जिसको भूख नहीं भी लगी ना, उसको भी सच में भूख लग जाए। चले देखें कितना खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, इतना बड़ा फुल फैमिली साइज प्लेटर बन गया है। आप जाके फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।
अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और बिस्मिल्लाह इसके साथ केचप दें, रायता दें और जो भी आपका, देखिए कितने सॉफ्ट हैं, आप लोग कहते हैं अंदर से ड्राई हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हैं। एंड नाउ बिस्मिल्लाह सर, वाओ जबरदस्त बना है। इसके साथ में चटनी दें, रायता दें, इसको जाके जरूर ट्राई करें, बना के फ्रीजर में रखें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।